नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई सऊदीया से रिलेटेड। सऊदीया के लिए बेस्ट न्यूज़ निकल के आई है साथियों। गवर्नमेंट ने 19 फ्लाइटों का शेड्यूल किया अलग से, जो 10 जून से लेकर 16-17 जून तक यानी 6-7 दिन में 19 फ्लाइटों का शेड्यूल रहेगा रेगुलर तरीके से। तो उनमें मैं बता दूँ साथियों, लगभग 3,000 के करीब लोगों को निकालने का इसके टारगेट है 6-7 दिन के अंदर, जिसमें बीमार हो गए, बड़े बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, या फिर गर्भवती महिलाएँ, या जो उम्रा के लिए गए थे, या तो परेशान है जॉब से रिलेटेड जो परेशान कामगार कारीगर हैं, उनको फर्स्ट प्राथमिकता से निकाला जाएगा। जी हाँ साथियों, तो मैं पूरी डिटेल के साथ इसमें बता दूंगा, आगे फ्लाइटों के शेड्यूल के बारे में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें, फेसबुक पेज वाले भाई फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। इसमें बताया गया है कि ये सारी फ्लाइटें सऊदी अरब के रियाद, जद्दा, दमाम आदि जगह से हैं। फ्लाइट में डायरेक्ट टिकट की सुविधा नहीं है, कोई आपको 30 मार्खा फ़ोन करें, मेल करें, आजकल ये वंडा ज़्यादा चल रहा है भाई, ध्यान रखें, कोई फ़ोन करके बोल दे पैसे डाल दो मैं टिकट बनवा देता हूँ, तो 1% भी नहीं होने वाली है। जैसे मेरे को लोग बोलते हैं ना, सर 10,000 आपको एडवांस देंगे आप टिकट बनवा दो, तो भाई वैसे और बहुत दुनिया में बैठे हैं जो पैसे भी ले लेंगे और काम भी नहीं होने वाला आपका, तो थोड़ा सा बच लें। टिकट सिर्फ और सिर्फ दूतावास के जरिए ही जारी की जाएगी, यानी इंडियन एम्बेसी ही आपको फ़ोन करके टिकट बुक करेगी आपका, तो ही आपका होगा। तो भाई पैसों का जुगाड़ करके रखें, कम से कम 3,000 बंदे 10 से 16 जून के बीच में इंडिया पहुंचेंगे। बाकी अलग फ्लाइट है, शेड्यूल है, वो तो चल ही रहा है, अलग मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, वो चलता रहता है। अभी भी मैंने वीडियो डाला है 5 और 6 तारीख की सऊदीया से इंडिया के लिए फ़्लाइट है, वो अलग सिस्टम है। तो साथियों मैं फटाक से बता दूँ, आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए, 10 जून को रियाद से है साथियों कोचिकोड़े बॉम्बे के लिए, 10 जून को फिर है दिल्ली के लिए रियाद से दिल्ली के लिए, 10 जून को फिर दमाम से कन्नूर बॉम्बे के लिए, 10 जून को जद्दा से कोची बॉम्बे के लिए, 11 जून को दमाम कोची बम्बई के लिए, 11 जून को फिर रियाद कन्नूर बॉम्बे के लिए, 11 जून को फिर जद्दा कोचिकोड़े बेंगलुरु के लिए, 12 जून को फिर दमाम बेंगलुरु के लिए, 12 जून को फिर रियाद हैदराबाद के लिए, 12 जून को फिर जद्दा त्रिवेंद्रम बम्बई के लिए, 13 जून को फिर रियाद त्रिवेंद्रम बम्बई के लिए, 13 जून को फिर दमाम कोचिकोड़े हैदराबाद के लिए, 13 जून को फिर जद्दा बेंगलुरु के लिए, 14 जून को फिर दमाम दिल्ली के लिए, 14 जून को फिर जद्दा हैदराबाद के लिए, 14 जून को फिर रियाद कोची बॉम्बे के लिए, 15 जून को दमाम त्रिवेंद्रम बम्बई के लिए, और 15 जून को फिर रियाद बेंगलुरु के लिए, 15 जून को फिर जद्दा दिल्ली के लिए, 16 जून को फिर दमाम हैदराबाद के लिए। तो मेरे भाई आपको दिल्ली के लिए 3 फ्लाइटें हैं, बाकी टोटल की टोटल मैं बता दूँ 19 फ्लाइटों में से 3 फ्लाइटें सिर्फ दिल्ली के लिए दी गई हैं मेरे भाई। बाकी की टोटल फ़्लाइटें बता दूं आपको, कोचिकोड़े पोक्कीकोड़े केरला गुजरात, गुजरात तो नहीं है, गुजरात तो अगर होती तो भी अच्छी बात होती, टोटल की टोटल ये बॉम्बे है तो 4 हैं, बाकी पूरी की पूरी आपके कोची केरला कन्नूर, कोची केरला कन्नूर। तो ये सिस्टम है भाई फ़्लाइट का। तो ये तो हम मान सकते हैं कि केरला गवर्नमेंट ने शायद ये फ़्लाइटें चलाई हैं, उन्होंने उनको धन्यवाद देना चाहिए कि 3 फ़्लाइटें दिल्ली के लिए दे दी। अब क्या बताएं भैया, आप ज़्यादा तो कुछ नहीं बता सकते, बताते बताते थक गए, आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। बाकी सच्चाई यही है, ये फ़्लाइटों का शेड्यूल मैंने बता दिया, लिस्ट में आपने देख भी लिया होगा। बाकी अलग से जो शेड्यूल चल रहा है उसमें भी धीरे धीरे कमी हो रही है। अभी मैंने जो वीडियो डाला है 5 और 6 जून को टोटल मिला के 15 फ़्लाइटें हैं, वरना एक एक दिन में 15 फ़्लाइटें आ रही थी। अब यानी आगे चलते जैसे जैसे फ़्लाइटें कम हो रही हैं, समझ गए बात को। तो आज की जानकारी यही है साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।